साथियों नमस्कार। सीयूईटी पीजी का एडमिट कार्ड आ चुका है, आशा करता हूं आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। साथियों उसमें कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन है जो आपको कंपलसरी रूप से फॉलो करने होंगे। अगर वो आपने फॉलो नहीं किए तो साथियों आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, मेंटल प्रेशर या हड़बड़ाहट का सामना करना पड़ सकता है। साथियों उन्हीं इंस्ट्रक्शन पर चर्चा करेंगे, कंपलसरी रूप से जितना इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं वो फॉलो कीजिए, बराबर है। चलिए आपके एडमिट कार्ड में चार पेज होंगे, चारों का आपको प्रिंट आउट निकालना है। फर्स्ट पेज क्या बोलता है? फर्स्ट पेज बोलता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब जो कुछ बोल रहा है कि मैं कहीं सिटी में ट्रेवल किया नहीं किया, तो बोलता है कि बीमार हुआ तो टिक कर दीजिए, अगर न हुआ तो रिक छोड़ दीजिए। तो अगर आप वहां आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है, पूरे को ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो टिक करने का ऑप्शन आ रहा है ना, उसको पूरे को ब्लैंक छोड़ देना है आपको, बराबर है। उसके बाद में साथ ही उसके नीचे आता है आपको एक फोटो पेस्ट करने का ऑप्शन, राइट। आपको अपनी रंगीन फोटो वहां चिपकानी है, लेटेस्ट फोटो है। उसके जस्ट बगल में आएगा लेफ्ट, जो अपना हैंड है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको वहां लगाना है, बरोबर है। तो अपना लेफ्ट थंब है उनका, वहां थंब एक्सप्रेशन आपको चिपका देना है, बरोबर है। उसके बाद में साथियों सेकंड पेज पे आता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल। एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल ढंग से पढ़ लीजिए, लेटेस्ट निकाल के देख लीजिए क्या एग्जामिनेशन सेंटर चेंज तो नहीं हुआ है ना। लेटेस्ट जब आप जा रहे हो, मतलब आपको उससे जस्ट पहले दिन, अगर कल आपका एग्जाम है तो पहले दिन साथियों जरूर देख लें कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज तो हुआ है कि नहीं हुआ है। एनटीए का कोई अता पता नहीं है, जो कुछ मन में आया करता रहता है, बरोबर है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जरूर वेरीफाई कर लें। फिर साथियों आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है, आपको साथ में लेकर जाने वाली चीज सुन लीजिए। पहली चीज आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, राइट। एडमिट कार्ड एक पेज पर तो केवल अंडरटेकिंग आएगा, तो दो या चार पेज निकाल लो भाई, 5-7 रुपए ज्यादा लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, बरोबर है। तो एडमिट कार्ड के साथ में आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, रंगीन फोटो एडमिट कार्ड में आपके मेंशन है। एक बार 2 मिनट लगेगा, एडमिट कार्ड के जो भी सारे इंस्ट्रक्शन है पूरे पढ़ लीजिए साथियों, मैक्सिमम 4-5 मिनट लगेगा, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना होगा, मैं कुछ बता भी रहा हूं। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, राइट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, 4 में से 1 आपके पास मिल जाएगा। पैन कार्ड भी वैलिड होगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ आपके एडमिट कार्ड में कि कौन सी आईडी प्रूफ वैलिड होगा। फोटो आईडी प्रूफ मतलब उस आईडी पर आपका फोटो होना चाहिए, बरोबर है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, बरोबर है। उसके साथ में साथियों आपको दो रंगीन फोटो आपकी, पहले बता रहा हूँ कुछ लोग नहीं लेकर जाएंगे, क्यों, एडमिट कार्ड तो पढ़ते नहीं है, वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउ नहीं करेंगे फोटो के बिना, तो आपको फोटो निकालने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फालतू में मुसीबत में पड़ जाओगे, बरोबर है। तो साथियों 2 फोटो जरूर लेकर जाएं, बरोबर है। उसमें लिखा हुआ है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके साथ में साथियों आपको मास्क लेकर जाओगे तो भी ठीक है, अगर लेकर जाओगे तो मास्क आपका वहां हटा दिया जाएगा, आपको नया मास्क दिया जाएगा, उनकी तरफ से दिया जाएगा। आपको मास्क लेकर नहीं जाना है, अगर लेकर जाओगे तो बाहर वो फेंकवा देंगे, या किसी रिश्तेदार के साथ जाते हो तो उनको दे सकते हो आप। फिर साथियों रिपोर्टिंग टाइम 1.5 घंटे पहले का है। आपको जैसे मान लो आपका एग्जाम 3 बजे है, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम है 1:40 पे आपको रिपोर्टिंग करना है, और 2:30 बजे बाद में तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब स्ट्रिक्टली है 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना है, तो आप तैयारी मान के चलिए कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, ताकि अगर 5-7 मिनट लेट वेट भी हो जाए तो साथियों 1.5 घंटे पहले आपको जरूर पहुंचना है। साथियों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम टाइम से 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। हमारी आदत क्या होती है, एग्जाम टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं साथियों, ना गड़बड़ हो जाएगा, एंट्री मिलेगी नहीं, 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। जैसे मान लो आपका 3 बजे एग्जाम है, तो साथियों आपको 2:30 बजे बाद में तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके। साथ में आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जाना है, आपको ऑनलाइन होगा तो कुछ रफ कार्य करोगे तो ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जाना है रफ कार्य के लिए। साथियों ट्रांसपेरेंट, उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बरोबर है, ट्रांसपेरेंट। और साथ में पानी का बॉटल ले जा सकते हो, पानी का बोतल और सैनिटाइजर लेके जाओ तो भी ठीक है, न लेके जाओ तो भी ठीक है, फालतू में उसके पैसे काटने की जरूरत नहीं है सैनिटाइजर के। पानी की बोतल है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल अपने घर से ले जाओ, अच्छे पानी की बोतल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल हो गई, बॉल पेन हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, आईडी कार्ड हो गया, और ये एडमिट कार्ड तो है ही, खैर मास्क आपको वहां दिया जाएगा, वो फोटो जरूर लेकर जाएं। मैं पिछली बार किसी का एग्जाम दिलाने गया था, वो फोटो नहीं लेकर गया, मैंने उनको बोला कि फोटो ले ली, बोला ले ली, वहां फिर मेरे को भागना पड़ा वहां फोटो बनवाने के लिए, ठीक है साथियों, मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, राइट साथियों। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, और जाने से पहले
जाने से पहले आपको किसी भी प्रकार के मतलब भविष्यवाणी को सुनना नहीं है। कोई बोलेंगे पेपर हार्ड आएगा, सिंपल आएगा, है ना, अगर सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, अगर होगा तो क्या होगा। साथियों इन चीजों पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अगर आप सोच के जाओगे कि मेरा सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, अपना तो करियर बर्बाद हो जाएगा, साथियों इससे कोई भी विचार नहीं लेना है। अपने को यही सांत्वना दे कि भाई मैंने अपनी तैयारी थी जितनी कर सकता था, मैंने जितनी तैयारी की है अब ऊपर वाले के हवाले है, जितनी तैयारी मैं कर सकता था उतनी मैंने कर ली, अब सब कुछ ऊपर वाले तेरे हवाले है, तू देख लेना। साथियों यही होता है अध्यात्म, जो बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी, वो अपने को अंदर से ताकत देती है कि भैया मैंने जितना करना था वो कर लिया है, अब ऊपर वाले के हवाले है, तो मतलब हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं, एकदम फ्रेश माइंड सेट के साथ आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।